नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। अयोध्या में बच्चों के बीच हुए विवाद में चली लाठियां, एक ही परिवार के 3 महिलाओं को आई गंभीर चोट। पीड़ित की तहरीर पर पुरा कालंदर पुलिस ने मामूली धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। बुधवार की शाम थाना पुरा कालंदर के भद्रसा कस्बे के ग्राम इब्राहिमपुर दोस्तपुर में छोटे बच्चों के बीच हुए विवाद में 2 परिवारों के बीच जमकर लाठियां चली, जिसमें एक ही परिवार की 3 महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने घायल 3 महिलाओं को लेकर पुरा कालंदर थाने पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें कहा कि जाओ पहले इनका इलाज कराओ फिर यहां आना, जबकि पुलिस को अपनी निगरानी में घायलों का मेडिकल परीक्षण कराना था, जिसे थाना पुलिस ने जरूरी नहीं समझा। थाना पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों को नामजद करते हुए उनके विरुद्ध धारा 323, 504 व 506 में मुकदमा दर्ज कर स्त्री कर दी है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि थाना पुलिस ने मामले में हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी बातों को अनसुना कर दिया है। अपने बच्चे को मतलब शिकायत लेके मारे रहे, तो करे बाद महे में गई, जब शिकायत लेके नरियागा से शिकायत लेके गई, तो उनके औरत काम है मारे लागे छोटन और छोटन के बिटिया उनके पतो तीनों जने मारी, तो अपन जान बचावे के लिए हमारे घर में घुस गई। जब वो हमारे घर में घुस गई तो हमारे घर में घुस के उन्होंने मारा हम लोगों को। कौन लोग हैं? सबके नाम बताओ, सबका नाम बताओ। एक नूरुल हसन है, हरीद है, शमशाद है, सुब्बू है और है आदाब है और मोहम्मद सऊद है और जो है रानू है, मान लीजिए लड्डू इतने आदमी मारे हैं उसके घर में। किस बात के लिए झगड़ा हुआ? कोई बच्चे के कारण, और कोई कारण नहीं था सर, वो बच्चे के कारण उन्होंने मारा है। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।